फर्स्ट मीटिंग वॉज आई थिंक इन अ क्लब राइट. तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी वहाँ पे एंड ही हैड कम विद सम अदर गर्ल. ओह वाओ. सो बहन थी. लवदिश बहन थी. व्हेन डिड यू गाइस रियलाइज दैट ओके दिस इज द पर्सन फॉर मी. ऐसा आया ही नहीं. अगर ऐसा आ जाता तो होती नहीं. पूरा मेरे पे गई है. कार्बन कॉपी है. What are you saying? Do you believe in that? No, so you tell me. I believe that. Listen, एक सेकंड. दोनों पे नहीं गई है. तो किस पे गई है? So मेरा क्या है? Start भी मैं करूँगी, end भी मैं करूँगी. तो वो एक problem रहती है. हाँ. Like मेरे में तो है वो. अगर कभी conversation में मैं जीत रहा हूँ, साला कहाँ से 1970 की कोई कहानी निकाल के मेरी बैंड बजा के फिर से ना अपने अपने तरफ पे एक चीजें ला लेती है. मैंने purposely spread कर दिया था. फिर ये मेरे को बोलती है कि चैपल तक जा रहे कैसे है. मैंने बोला कि टैक्सी ऐसे बुलाएंगे. बोला कि नो आई वांट अ लिमोजिन. दे आर टॉकिंग अबाउट अस. दिस शोज हाउ इम्पोर्टेंट वी आर फॉर देम. And how much it's killing them within that, you know, they are happily married and they're going good, you know. Yeah. So that is their problem, not my problem. This has been one episode that I've been waiting for the longest time. And I'm happy that we are finally, what? No, nothing. I'm happy that we are finally doing it for the grand finale, the finale episode of the second season of Chemistry 101, only on Bollywood Bubble. Thank you for doing this, Jay and Mahi. Thank you for having us. And in the last few months, I have gotten really close to Mahi, I have to say this, because we've been having a lot of calls and everything. Calls? No, we're like, come here, chugli kare, yahi chal raha. No, chugli, hum logon ne kuch nahi kiya. Arre, jao, jao. We have no time to do chugli. Mujhe apni biwi se zyada, tujhe, tere ko janta hoon main. 101%. ये जो इतने सालों का रिश्ता ये एक्चुअली चालू कहाँ से हुआ था? When was the first meeting and how did it happen? So, first meeting was, I think in a club, right? तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी वहाँ पे एंड ही हैड कम विद सम अदर गर्ल. नो मैं किसी के साथ आया नहीं था. इट वॉज जस्ट दैट सो माही को मैंने एक अपने दोस्त के साथ मैं आया नहीं था बट मैं उस ख्याल से आया था कि मैं किसी को लेके जाऊंगा क्लब से. तो वो क्लब से ऑलरेडी इतने तेरे को कंप्लेंट्स थे तो क्यों तूने मेरे को हाँ बोली? देखो हाँ भी बोलनी है और फिर मैं कंप्लेन भी कर. दैट डे यू गाइस नहीं फॉर द फर्स्ट टाइम. उससे पहले मैंने इसे एक दोस्त के कार्ड पार्टी में कहीं देखा था. यू नो वो जो दिवाली पार्टीज होती है उधर आई 5-10 मिनट में मेरा था कि यार नाइस लुकिंग गर्ल करके मैं ऐसे देखा लेकिन वो निकल गए. उसके बाद मेरे को कभी दिखी नहीं. 1.5-2 साल के बाद मैं वो क्लब में मिली थी. तो वहां पर फिर बाद में हाँ क्लब मैंने इसकी बहुत क्लास ली थी. जैसे आज मैं तुम्हारी भी थोड़ी बहुत लेने वाला हूँ. तो फिर मैं वो बातों में फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने रियलाइज़ किया बहुत ज़्यादा खिंचाई कर ली. अगर मेरे को इंटरेस्ट भी होता था तो फिर मैंने अभी इंटरेस्ट नहीं दिखाई बिकॉज मैंने इतनी इसकी खिंचाई कर ली है. वाओ. तो वैसे करके मैंने मैसेजेस करना शुरू किए थे ऐसे कि आई होप यू नो आई वॉज नॉट रूड लास्ट नाइट. मेरे को तो बेसिकली बातें करनी थी. मैं कैसे बात शुरू करूँ? ये मैडम ने बोला कि नो इट्स ओके करके खत्म कर दिया. व्हाट माही यू सेड नो इट्स ओके. नो इट्स ओके बट आई स्टॉप्ड चैटिंग विद हिम बिकॉज़ फॉर मी इट वाज लाइक यू नो कहां से नंबर मिल गया इसको. और नंबर कहां से मिला था वो जो एक और जो दोस्त था जिसके साथ मैं आया था उस जो जिसने इसे लेकर आया था उससे मैंने नंबर लिया था. फिर मैंने बोला था कि यार सॉरी लास्ट नाइट मैं थोड़ा सा ये था. तो एक होता है ना कि थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन करने के लिए कुछ तो बोलो. उसने ओके करके खत्म कर दिया था एंड जरा भी भाव नहीं मिला था मुझे. और हाँ तो वो वहाँ पर शुरुआत हुई. फिर बाद में ऐसा होता है ना कि जो नई
वो जो एक है ना कि एक आजकल रील भी एक बहुत वायरल हो रहा है कि जो हमको चाहिए वो हमको नहीं, जो हमको चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसको हम चाहिए उसे कौन चाहिए। तो वैसा ही सीन था, इसने इग्नोर किया तो मेरा था यार ये इग्नोर कैसे कर रही है मुझे। तो फैन में ऐसे मैंने बहुत बार कोशिश की यू नो कि मिलने की, बहुत एटीट्यूड दिखाया था मुझे बहुत ज्यादा। व्हाट इज दिस माइंड, बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, कि नॉट इन हिम बट एक्टर से नहीं करनी है मुझे। Like, Why? Was there any reason? Because you are also an actor. Because हम लोग का stable job तो रहता नहीं है. So I wanted somebody who is, you know, भले वो 9-to-5 job वाला हो, but stable job. तो फिर कब finally you? So my family started liking him. My mommy, my mom, because he started coming home and started going out. So they said कि, you know, he's a nice guy. अभी कब तक सोचोगे कि ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए तो. नहीं, वहाँ तक जाने से पहले आई एम सेइंग व्हेन यू गाइस व्हेन लाइक व्हेन यू वर नॉट गिविंग हिम भाव, भाव फाइनली मिला कैसे? तो भाव कैसे मिला कि 3 महीने मैं इसके पीछे पड़ा था, इसने मेरे को जरा भी भाव नहीं दिया था, जरा भी नहीं। मतलब उसको फिल्म्स दिखाने लेके जा रहा हूँ सब, मतलब वो मेरे दोस्त के लिए खाने का डब्बा लेकर आ रही है। हाँ, मतलब वो मेरे लिए नहीं लेकर आ रही। तो मैं ऐसा था कि यार साला मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ फन में, मेरे दोस्त के लिए वो सैंडविचेस घर से बना के लेकर आ रही है। हाँ, मैंने बोला कि कमीने तू थोड़ा सा दूर हो अभी, क्योंकि तेरे चक्कर में वो मेरे लिए डब्बा नहीं ला रही है। तो उस पर भी मुझे बुरा लग रहा था। तो वो करते 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 एक टाइम पे मैंने बोला वो हो गया, 3 महीना में भागा हो बॉस, किसी के लिए नहीं मैं भागा था इससे पहले। तो था हो गया भाई, अब क्या कहते हैं, हमने हमारी जो क्षमता थी यू नो एक लड़की के पीछे भागने की वो कंप्लीट हो चुकी है, अब नहीं भागूंगा। और मैंने फिर इसके फ़ोन कॉल सब कुछ बंद कर दिए, यू नो फ़ोन करना बंद कर दिया। व्हाट? हाँ हाँ, पूरा पूरा मेरा था कि अब देख मैं क्या कहते हैं रिवर्स, अब मैं तुझे साइकोलॉजी ना, रिवर्स साइकोलॉजी तो बाद में मालूम पड़ी थी। पहले ऐसा था कि अभी तुझसे भी हॉट लड़की को मैं डेट करूंगा। हाँ, वो था पर मुझसे हॉट लड़की थी नहीं बॉम्बे में तभी। हाँ, वो तूने मौके नहीं दिए ना मेरे को ढूंढने के लिए। ढूंढने के दिए होते थे तो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेकर आता था। तो फिर जाके जब मैंने बंद किए कॉल ये सब, तो इसने मैसेजेस शुरू कर दिए। यही होता है, फिर मैं समझा कि ये भाई वो क्या कहते हैं ना, भाव खाओ वाला, भाव खाओ वड़ा पाव खाओ वैसा सीन चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, पूरा वैसा सीन था, क्योंकि मैंने फुल्ली बंद कर दिया। मतलब यू नो फोन कॉल कर रही है रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैसेज कर रही है मतलब 12-13 घंटे में रिप्लाई। नहीं नहीं नहीं, जो भी है, लेकिन मेरा था कि इसको भी था, लेकिन मैंने भी हां नहीं, बट हाउ कैन यू जस्ट स्टार्ट डेटिंग समवन, यू हैव टू नो। 3 months इज मोर देन एनफ टू नो अ पर्सन, दैट्स आल्सो ट्रू। या बट maybe it didn't click, you had to work harder than whatever you and he's know. Actually loved by everybody in like the whole family. Yeah. he has that. ha wo hai mera hai, matlab like I told you right, beti na pate uski maa zarur pad jati hai. My mother started watching Big Boss after the evict, she realized it 3 days later. That's a different story. Yeah, I'm not watching. Jay acha tha, she'll say this even if you call her right. Jay acha tha Big Boss on Big Boss. Yeah, exactly. लेकिन हाँ, तो like, I'm not being partial just because he's my husband, but he was good. Yeah, but I want to know that Mahi, then what did you do? Like, did it bother you when he was not responding? Did you feel that अच्छा ये तो मैंने ही किया है, मुझे ही वापस मिल रहा है कार्मा, या फिर ये था कि अच्छा मैं अब कोशिश करती हूँ? नहीं, आई थॉट यू नो मे बी यू नो अच्छा लड़का हाथ से ना निकल जाए, लाइक ही इज अ नाइस गाय एंड माई फैमिली इज लाइकिंग हिम, लेट्स गिव इट अ ट्राई। बट वो ट्राई में हम लोगों ने आई थिंक जस्ट 3 months then we dated. नहीं, 3 months नहीं, फिर 3 months मैंने इसको रुकाया था। वो मेरे पीछे पड़ रही थी, मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने बोला था कि क्या है कि यही एक रिलेशनशिप का बेस होता है, अगर समझो बराबर नहीं रखे ना तो फिर मैं पूरी जिंदगी उसके ना ऐसे करके बैठा पड़ता। तो मैं बोला कुछ भी हो जाए 3 महीने तक मैं भी इसको हाँ नहीं बोलने वाला हूँ। हाँ, 3 महीने के बाद मैंने इसको हाँ बोली, बोला कि चल। सो मच टाइम यू हैड, अरे बहुत ज्यादा, उस टाइम पे और क्या टाइम हुआ करता था। उसके बाद क्या, देन आई थिंक यू नो 2-3 months वी डेटेड एंड देन वी, नॉट इवन 3 months, आई थिंक अ मंथ और समथिंग, एंड देन वी गॉट मैरिड। हाँ, व्हाट? या बट यू गॉट मैरिड इन अ सीक्रेट वेडिंग, लाइक पीपल डिडंट नो अबाउट इट इज व्हाट आई नो। फैमिलीज न्यू अबाउट इट, फैमिलीज न्यू बट नोबडी एल्स। या मतलब मेरा रिसेप्शन था, फैमिली न्यू दैट इट्स अ रिसेप्शन। अभी मेरी फैमिली रिसेप्शन नहीं, एंगेजमेंट। हां, बट मेरी फैमिली में कैसे बोल सकती है? बट यही तेरा प्यार, मेरी फैमिली, मतलब हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव यू नो अबाउट यू नो आवर मैरिज, दिस इज यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट फॉर अस एंड यू जस्ट डेट क्या थी बता जरा
9th August. हाँ? 9th August. 9th August क्या था? क्या 2010? और कोर्ट मैरिज कभी की थी तूने? कोर्ट मैरिज सी देखो जो मैंने एक तो याद है तेरे को क्या पता कोर्ट मैरिज कब थी? तारा का बर्थडे बता. 3rd August. 2019. उसका तो कुछ भी नहीं भूल सकता. ओके. उसका कुछ भी नहीं भूल सकता. हाँ तेरे को भूल जाओ एक दिन. 2011 में किया था? नहीं नहीं 2010 में किया था. वो एक साल मैंने छुपाई थी. सो इतनी जल्दी जो शादी की, आई वॉन्ट टू नो दैट व्हेन डिड यू गाइस रियलाइज दैट ओके दिस इज द पर्सन फॉर मी. ऐसा आया ही नहीं. अगर ऐसा आ जाता तो होता बट इतनी जल्दी, मतलब 3 महीने के अंदर शादी. आई कांट बिलीव. देन इसको हल्दी लगाने का बहुत चस्का चढ़ा था. मुझे जल्दी थी हल्दी. यू वांटेड टू गेट मैरिड और यू वांटेड टू और बोथ ऑफ यू? आई वांटेड टू गेट मैरिड. आई वांटेड टू सेटल डाउन. आई वाज 28 सो आई सेड कि नहीं अभी तो शादी राइट एज टू गेट मैरिड. सो बस हो गई शादी. हां व्हेन डिड यू रियलाइज दैट माही इज द वन फॉर मी? आई एम स्टिल नॉट रियलाइज. सेकंड्स लेने के बाद तो यहीं जाओ. डर मत बोल दे. नहीं नहीं नहीं, मतलब सी कैमराज है. इट्स अ यू नो यू आर अ वेरी रेप्यूटेड रिपोर्टर एंड आई डोंट वांट कि यू नो योर फैंस शुड थिंक समथिंग एल्स. नहीं बट जेनेली शी इज माय सोलमेट. यू नो मैं इसी की वजह से जिंदा हूँ. बट दैट इज ट्रू. That is a little bit true. I have to take her side because I'm. Why? Just. नहीं ये interview मैंने तेरा lock कराया याद है ना? नहीं. क्या? ऐसा नहीं है. क्या? ये नखरे कर रही थी. But it is true. ये नखरे कर रही थी. कभी नहीं करती. नैनदीप को लेके मैं नखरे. अरे मेरे पास ये दिन में नहीं वो दिन में. अरे मेरा ये हो गया. अरे मेरा ये हो गया. But he got it locked. No, the final I told him locking. You lock it. मैं तारा सुला रही हूँ, तू lock कर दे. झूठ नहीं बोल. अरे ये problem है भाई. देख लो शादी के बाद है ना, बीवियाँ सारा मतलब बोलते हैं ना blame तो अपने ऊपर ही डालेगी. हाँ आदत डाल दो. No, but जो है वो है. अच्छा वाह. But I want to know कि ये जो शादी इतनी जल्दी की, proposal कुछ plan किया था या फिर? अरे कुछ प्लान ही नहीं किया था, बस हो गया. मतलब वो ऐसा प्लान करने बैठे ऐसे फ्लो में निकल गया. बोला क्या ऐसे जा रहे थे एंड सडनली देखा ओह शिट वी आर मैरिड. नो बट व्हेन डिड यू गाइस स्टार्ट डेटिंग एंड व्हेन डिड यू गेट मैरिड देन? लाइक व्हिच मंथ डू यू रिमेंबर? वी स्टार्टेड डेटिंग आई थिंक 31st December 2009. नहीं नहीं, that's when you proposed. Propose? नहीं नहीं, but you said we I said yes to you. And then how did you propose? Nothing. न्यू ईयर पे. न्यू ईयर पे थे हम लोग, बस माहौल बन गया. ऐसे ही बोल दिया. एंड यू सेड यस. क्या हुआ? शी इज लाइक ओ थोड़ा, मतलब थोड़ा रुकती तो कुछ और प्रपोजल मिलता ना मुझे लगता है. मतलब आई डोंट थिंक सो. तभी ऐसे था मुझे लाइक आई एम नॉट द वो एक्सपेक्टेशन टाइप की अरे he'll go down his knees or he will propose me and all that. वो सब नहीं था. नहीं था. अच्छा था क्योंकि मैं मुझे होता भी नहीं था. हाँ. अभी कर लो. क्या क्या प्रपोजल? अरे क्यों कभी भी? अभी वो अपनी बेटी को प्रपोज करता. हाँ. मैं, हाँ, मैं एक्चुअली अपनी बेटी को बहुत प्रपोज करता हूँ. आई थिंक वो मेरा For her, he'll go down the knees. 100% वो मेरा प्यार है. That's true. She's too cute. Yeah. Too cute. बाप पे गई है ना. That's true. Both of you. Fact. नहीं 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 झूठ मत बोल. नहीं देख देख तेरे नैन दीप जाते हैं ठीक है ना, तो मेरे को बता दे. She's also cute. नहीं लेकिन किसी भी एंगल से नहीं है इस पे यार. पूरा मेरे पे गई है. कार्बन कॉपी है. व्हाट आर यू सेइंग? डू यू बिलीव इन दैट? नो नो यू टेल मी. आई बिलीव दैट. लिसन एक सेकंड. दोनों पे नहीं गई है. तो किस पे गई है? सो आई बिलीव इन हम दोनों पे नहीं गई है. एग्जैक्टली हम दोनों पे नहीं गई है. तो साला वे वे क्यूटर देन बोथ ऑफ अस. हां वो तो ठीक है लेकिन ठीक है. अब तू सोच. नेचर वाइज तो इस पे गई है 100%. शी इज वेरी हां शी इज अ गो गेटर एंड शी इज लाइक लर्निंग एवरीथिंग. पूरा 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 और क्या कहते गुस्से में कंट्रोलिंग टू मच. सो आई वांट टू नो व्हाट आर द काइंड ऑफ फाइट्स दैट यू गाइस यूज्ड टू हैव देन एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ फाइट्स दैट यू गाइस हैव नाउ.
So अभी, now we don't fight at all. I swear to God. अभी ऐसा टाइम है जहाँ पर यू नो हम लोग कुछ आर्गुमेंट ही नहीं होता है. सीज फायर कर दिया मैंने तो क्योंकि एक टाइम था जब बात होती थी. अभी एक टाइम आ गया है कि जब भी बात करने का मौका मिलता है तो यू नो योर डॉटर इज देयर एंड यू वांट टू ऑल योर टाइम इज गोइंग देयर अटेंशन इज देयर. हां उसको सुलाना उसको ये करना उसको ये करना और तो वो आर्गुमेंट का टाइम ही नहीं होता. बट आई वांट टू नो लाइक व्हेन यू गाइस वर डेटिंग शादी जब पहले पहले हुई थी तब झगड़ा होता था किस बहुत ज्यादा किन किन चीजों हर चीज पे. या तभी यू नो तब क्या होता था वो एक देखो तब मैं एक बॉय था ठीक है ना. और वो बॉय जो होता है जब शादी करता है ना उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी रहती है और ये ठोक ठोक के सीधी करने में बहुत माहिर रहते हैं औरतें हैं. तो वो करते 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 दे हैव बीन इन अ दिस थिंग वेयर दे आर गो आउट विद बॉयज एंड दे वो एक आदत होती है. बाकी के बॉयज की शादी नहीं हुई है सो यू नो सडनली यू फील यू आर ट्रैप्ड. वो एक मेंटल साइकोलॉजी होती है कि तुमको लगता है अरे तुम बंद गए हो और फिर सुबह भी उसी लड़की की शक्ल यू नो खाना खा रहे हैं तो वो सामने बैठी है और यू नो तो वो कहीं ना कहीं वो होता है यू नो. तो आई थिंक तभी जो फाइट्स होती थी वो होती थी वो जेन्युइन फाइट्स होती थी. और जो अभी अभी तो खैर हमारे लोगों को मुझे याद भी नहीं लास्ट याद भी नहीं है झगड़ा हुआ. बट तभी के फाइट्स में मतलब हाउ डिड यू यूज्ड टू रिएक्ट. यहां पे आप टू सपोर्ट जाए ही इज वेरी पेशेंट दैट वे. आई एम अ नाइस बॉय. Yeah, I have say to. Say yes. Matlab, yeah, I said. Yeah, so you say it loudly. You are a nice boy. I said my mother loves you the most. See? Bas. So, pehle ki fights mein kya hota tha ki ek to I'm an Aryan, number one. So, mera kya hai, start bhi main karungi, end bhi main karungi. तो वो एक प्रॉब्लम रहती है. हाँ, लाइक मेरे में तो है वो. अगर कभी कॉन्वर्सेशन में मैं जीत रहा हूँ साला कहाँ से 1970 की कोई कहानी निकाल के मेरी बैंड बजा के फिर से ना अपने अपने तरफ पे एक चीजें ला लेती है. ओ, तो, वाव. हाँ 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 मतलब वो कभी भी आज तक यू नो 11 सालों में मैंने कभी भी कोई भी कॉन्वर्सेशन में नहीं जीता हूँ इसके साथ नहीं जीता हूँ. बिकॉज वो कुछ ना कुछ यू नो इधर उधर बाकड़ा बाकड़ा करके कुछ ना कुछ निकाल लेती है. अब 10 साल हो जाते हैं ना शादी को तो आप खुद ही वैसे भी गिव अप कर देते हो. बोलते छोड़ यार अभी इसको 10 साल में इसी का अप कर सकेगा यू नो. सो इट्स लाइक छोड़ो अब क्या ही बदलेगा. बट तब जब पहले पहले होता था डिड इट बॉदर एनी ऑफ यू एंड हु यूज्ड टू पैच अप फर्स्ट ऑल्दो आई फील ओ यू ओनली आई थॉट इट्स यू. नो 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 नेवर दुनिया एक्सप्लोर ही की है. हाँ मतलब क्या कहते हैं आई थिंक ऑलमोस्ट एक्सेप्ट लंडन आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट सारी जगह पे जा चुके हैं. वी हैव ट्रैवल उस टाइम पे इंस्टाग्राम और फेसबुक इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था. वी वर गोइंग टू लंडन एंड आई गॉट प्रेग्नेंट. या सो वो भी ऐसा था कि वी वर प्लानिंग यू नो फॉर लंडन. वीजा आ गया सब आ गया टिकट बुक कर रहा हूँ एंड देन सडनली तो मुझे हुई नहीं 9 महीने. ठीक है थोड़ा सा बोलना पड़ता है क्योंकि जो नहीं जानते प्रेगनेंसी कैसी होती है उनके लिए लड़की उल्टी करे तो प्रेग्नेंट वैसा है. तो उनको बताने के लिए कि फिर सडनली यू नो उसने बोला कि टेस्ट की और टेस्ट करने के बाद तन में पॉजिटिव हुआ. तो मैंने बोला वाओ तुम्हारा वंश बढ़ने वाला. मैंने बोला 50,000 रुपए का वीजा का चूना लगा. बट आई स्टिल वॉन्ट टू नो दैट व्हेन यू गाइस डिसाइड टू गेट मैरिड कीपिंग इट अ सीक्रेट being in the public eye was it difficult because what I read is that for the longest time people in the media and people outside also didn't know. So I didn't know the idea of ek to I don't like hiding things and all mujhe to samajh hi nahi aata wo sab. But somewhere he was 26 and wahi maine bola all his friends were unmarried and hota hai na wo aapko jo log bolte hain wo sunte ho aap apne partner ki zyada nahi sunte. It's very natural. Logon ne bola hoga usko shayad tu career pe mera tha. ठीक है करियर पे आएगा. नहीं नहीं करियर के लिए नहीं था. फिर ऐसे ही थोड़ा सा क्योंकि है ना मैं बड़ा अपने जो सर्कल में ना मैं स्टड था. ठीक है ना तो वो स्टड वो लोग बोलते थे तू तो आखिरी में शादी करेगा मतलब वो 34 30 तो इतना प्रेशर डाल दिया था. मैंने बोला शिट अब ये लड़की जाने भी नहीं दे सकता क्योंकि इसने बोल दिया था कि भैया अगर समझो तूने नहीं किया तो फिर मैं तो जा रही हूँ मेरे को डेट बीट नहीं करना फिर उनमें ज्यादा. वो ऐसे बोला. हाँ 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 तो मैंने बोला लड़की भी हाथ से जाएगी और ये तो साले कब तक ये लॉन्डो पार्टी के साथ मैं घूमते रहूंगा.
तो उसके चक्कर में मैंने कर दिया, और फिर बाद में मैंने इसको बोला कि प्लीज बचाना नहीं, हाँ बचाना नहीं किसी को, तो फिर मैं वो किया हम लोगों ने, और क्या कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि औरतों के पेटों में कुछ बात रहती नहीं है, क्योंकि उनका एक बेस्ट फ्रेंड रहता है, उसका भी एक बेस्ट फ्रेंड रहता है, और उसका भी एक बेस्ट फ्रेंड रहता है, ऐसे बेस्ट फ्रेंड करके पूरे गांव को पता चल गया कि ये कुंवारे, हाँ ये कुंवारे लड़के की शादी, एक साल तक तो पता नहीं था, मतलब इससे बिग डील, या मतलब कैसे छुपाया एक साल, बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग तो मतलब कोई अवार्ड फंक्शन में भी जाते थे तो फैन में अलग अलग जाते थे, इतना मतलब हमने रखा था. Wow. And when did they find out? How did they find out? I think वही जैसे उसने बोला वाया बोले ना, best friend के भी एक best friend होते हैं, वैसे पता चल गया. Did you just wake up to the news one day like that? No, I knew that it's मैंने purposely spread कर दिया था. फिर से होता है छुपन hide and seek खेलना. Two, two, three. मैंने उसी साला घर में ही सांप पाल के रखा है मैंने. मैंने उसी को बताया जो मुझे पता है. धोखेबाज, तूने कहा था कि तू मेरा साथ देगी, जो मैं कहूंगा वो करेगी, और एक साल तक भी तूने यू नो उस बात पे नहीं करती हाइड एंड सीक. यू नो वो फेरे लेते वक्त हमने कसमें खाई थी कि कोर्ट मैरिज मैंने देखो देखो यार, यहाँ पे लोगों ने फेरे लिए, उनकी नहीं टिकी, हम बिना फेरे के टिक रहे तो क्या क्या कमाल की चीज है ना, करें बिल्कुल मस्त गए. दो मिनट में मैंने बोला देख भाई मेरे पास यार ये ऐसा वो क्या कहते हैं ना, ऐसा स्वीट स्वीट बनना एवरी वो एक दिन के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो सब आ रहे हैं, सब पैर पड़ो, थैंक यू, कितना हंसते हैं, मेरे को बहुत प्रेशर लगता है यार वो जब लड़का लड़की स्टेज पे रहते हैं. तो एक ही किया था हमने, लेकिन उसके बाद फिर में वही था कि बोला वो हंसना बसना मुझसे इतना नहीं होगा, और कितना करे, मतलब वो आते ना फन में जबरदस्ती, हमको भी मालूम है वो जबरदस्ती है, सिर्फ हम ही बधाई हो कितना लेके आए. हाँ तो मैंने बोला जाते हैं कोर्ट में, तू एक साइन कर, मैं एक साइन करो, यू मेक किस योर ब्राइड, खत्म. दैट वाज इन 2010. या देन यू गाइस गॉट मैरिड अगेन इन 2014 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वेगस. या सो हु प्लानड इट एंड व्हाट वाज द होल आईडिया? नो दैट वाज नो नो नोबडी प्लानड इट. हम सीधा पहुंचे वो एयरपोर्ट से, जो ड्राइवर हम लोगों को लेकर जा रहा था तो वैसे वो बताता है कि दिस वाज यू नो दिस इज द, ऐसे करते करते एक सेकंड, ऐसे करते करते इस, मैं बता रहा हूँ ये सच है, जा रहे थे वो चैपल एक है जहाँ पे जेनिफर लोपेस ने शादी की है, तो वो बोलते ना वो जो एंथू कटलेट रहते हैं, उनको लगता है कि हम ज़्यादा टिप देंगे इतना अच्छी अच्छी बातें करने पे, तो उसने बोल दिया कि दैट्स द फेमस चैपल वेयर यू नो जेनिफर लोपेस गॉट यू नो मैरिड. अब मैंने लगा वाव, मैंने तो वाव करके छोड़ दिया, अब ये वाव इनके अंदर दिमाग में क्या खाओ चल रहा था समझ में नहीं आया. रात को अचानक से आया कि आई वॉन्ट टू डू क्रिश्चियन वेडिंग. मैंने बोला कि यहाँ पे कहाँ मेरे, मैं अभी कहाँ से फूफा और चाचा पैदा करूँ कि यू नो हमारी शादी में आए, कितना अजीब लगेगा कि चैपल में जा रहे साला कोई घंटा कोई पूछ रहा है. एक तो कोई ना ट्रिप ट्रिप तो नो प्लान्स. हम लोग ने फर्स्ट डे मैंने रखा था कि ना जाएंगे कसिनो ये सब यू नो एक्सप्लोर करेंगे पूरी चीज़ों को, वो हमारा प्लान था, और इस मैडम ने कर दिया उसका पूरा उल्टा, उसने पूरा वो आइटनरी चेंज करके बोल दिया आई वॉन्ट टू गेट मैरिड. तो फिर मैं हम लोग गए, इसने अपने लिए वो क्रिश्चियन वेडिंग का वो पूरा वो गाउन लिया, फिर बाद में मुझसे पूछी, तो मैं एक्चुअली वहाँ पे एक शो के लिए गया था, सो आई हैड अ शो इन फिलाडेल्फिया एंड आई थिंक न्यू जर्सी, तो दो सिटी में मेरे शोज थे, तो उसी बहाने हमने बोला कि हम कंटिन्यू करके देन वी विल ये कर लेंगे. तो उसने बोला कि व्हाट आर यू वेयरिंग, मैंने बोला मैं खर्चा नहीं करता. मैंने वही अपने एंकरिंग वाले जो कपड़े जो मैं पहनने वाला था वही पहन के मैं यू नो आ गया. इट वाज अ वेरी स्वीट वेडिंग. हां वो था. फिर ये मेरे को बोलते हैं कि चैपल तक जा रहे कैसे हैं, मैंने बोला कि टैक्सी ऐसे बुलाएंगे, बोला कि नो आई वांट अ लिमोजिन. तो फिर जाके मैंने लिमोजिन अरेंज की, फिर लिमोजिन का हुआ, फिर वहाँ पे जाने के बाद देन आखिरी वो हुआ मस्त सा, मतलब पूरे चैपल में जैसे यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है वैसे ही वहाँ पर भी कोई भी नहीं था, ठीक है ना, ऐसा एक सीक्रेट कैमरा था वहाँ से वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या कहते हैं और पूरा वो शूट हो रहा है, तो एक से फोटोग्राफर था, दैट्स इट. मतलब ये मेरे हिसाब से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, क्या बोलते हैं यू मे किस योर ब्राइड का, बिकॉज नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गो अलोन एंड गेट मैरिड. या बट इट्स आल्सो इट्स अ चॉइस दैट यू मेक, राइट. हां तो उसने फ्रेंड में वहां पे हम लोग देखो उसने वेडिंग मतलब पे कॉम्प्रोमाइज किया, यू एक्चुअली गिव हर व्हाटएवर शी वांटेड, क्रिश्चियन मैरिज बस खत्म बस. बट यू नो व्हेन लाइक यू सेड कि
एक ऐसा होता है कि जैसे जय ने अभी बोला कि हम लोगों ने वैसे प्रॉपर शादी भी नहीं की, पर हमारा टिक रहा है. बट व्हेन दैट हैपेंस ना, स्पेशली विद इंडस्ट्री कपल्स, एवरीबडी अराउंड यू, नॉट एवरीबडी, मोस्ट पीपल अराउंड यू आर वेटिंग फॉर यू टू फेल. दे जेन्युइनली फील कि अरे कहाँ टिकेगा, कहाँ टिकेगा. तो हमने भी हमारे बारे में बहुत कुछ ऐसा सुना था. बट यू नो आई फील कि द मोर यू डोंट टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स और ये कि हमारे बारे में ये बोल रहा है या हमारे बारे में दिस इज रिटन अबाउट अस और दिस इज, आई थिंक जितना हम लोग नेगेटिविटी को दूर रखें, बिकॉज सी वन दे आर टॉकिंग अबाउट अस, दिस शोज हाउ इम्पॉर्टेंट वी आर फॉर देम एंड हाउ मच इट्स किलिंग देम विद इन दैट यू नो दे आर हैप्पीली मैरिड एंड दे गोइंग गुड यू नो. सो दैट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम. डिड इट एवर बॉदर यू? मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया. Yeah, it doesn't bother us at all. मतलब मैं तो ये जानने की भी कोशिश नहीं करता था कि ये न्यूज़ किसने मतलब फैलाई है, ये वो कर लाइक ठीक है जिसको जो करना है करो. आई नो कि मैं क्या हूँ एंड लाइक नो हाउ यू नो माय थिंग्स आर गोइंग विद. There were a lot of news about me and there were a lot of news about us. So it yeah, obviously एक टाइम पे इसलिए बॉदर करता है because you have in-laws, you have parents who are old. Yeah. They read it, they get affected, you know. And we have families, you know. So they get affected. Just that. Otherwise, if you say, हाँ, मतलब मैं articles की बात करूँ, that gets to your thing, to your mind because आपको लगता है कि you know कि why you know. But there are people who would go and say, अरे इसका ये हो रहा है ना, wrong news and wrong things, just to demean someone or just to you know put the other person down. And I have noticed one thing कि वो आज तक वहीं कर रहे हैं और मैं कब की कहाँ निकल गई. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी बोल ही दे. नहीं नहीं नहीं, there lot of people, there's not one person. So I'm sure he knows. मुझे तो मालूम भी नहीं है तो मैं इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ. There are lot of journalists. Yeah, but I want to know that you have a beautiful addition in your life, which is Tara. Mahi, you always wanted to be a mother. Okay, when you had Tara, and before that, there has been a journey. How do you look back at those days and all the ups, downs, everything, battling all of it as a couple? So when Tara was not there, it was all about me, it was all about him, it was all about, you know, now it is about her. So yeah, everything abhi hum logo ke like ek time pe I might miss my meal, but I make sure that my daughter ka time jo hai wo change nahi hona chahiye, you know. True. I might tell him and I would say that he's an excellent father. I would give him 100 mein se or give him 120, 50 because going to birthday parties, going to garden, going to mall, play area. I think I don't have to repeat twice, which I have. मतलब बाकी चीज़ों को मेरे को बार-बार repeat करना पड़ता है कि क्या बहरे हो गए हो क्या, सुनाई नहीं देता है क्या, you know. But with Tara, I have to tell him once कि 5:30 she has to go to the garden. I see him ready, without. I enjoy it. I really enjoy it. So I would say that तब ये होता था कि you know it was all about कि मेरा you know क्या इसका क्या यू नो आर थिंग क्या और बड़े वा नाउ सिंस द टाइम फोकस चेंज हो जाता है बस. बट वेट देट व्हेन डिड यू प्लान दिस, लाइक डिड यू प्लान दिस और डिड यू वांट इट पहले से, लाइक यू नोइंग यू आई फील दैट यू वांटेड टू गेट इनटू अ मैरिज, यू वांटेड टू हैव अ फैमिली. आई वाज प्लानिंग फॉर अ बेबी बट देन बट इट डिडंट क्लिक. देन वी थॉट वी विल टेक अ ब्रेक, वी विल जस्ट गो. जैसे हम लोग बोला कि वी वर प्लानिंग टू गो टू लंदन एंड वी बोथ लव ट्रैवलिंग, सो हम लोगों ने सोचा घूम के आते हैं. तो दैट्स व्हेन वी तारा, हमने सोचा जो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वो अंग्रेजों की धरती पे शायद हो. हाँ, हिंदुस्तान में ही हुआ है. हाँ, फिर हुआ हिंदुस्तान में ही. सो यू वर सेइंग इट वाज नॉट यू डिडंट एक्सपेक्ट दैट टाइम, सो हाउ डिड यू रिएक्ट टू दैट? Both of you. I think ये मेरा यही था मन के अभी ये मेरा last try है, बस अभी हो गया, you know, like थक गई मैं, you know, to see the thing कि एक ही आया है और दो lines नहीं आई हैं या whatever, you know. So it plays mentally, मतलब
औरतों के साथ तो इट प्लेज मेंटली यू नो. सो आई वाज लाइक एंड जब ही आया था तो यू नो लाइक चल 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 मंदिर चल मंदिर चल मंदिर चल. सो मेरा पहला ये था कि लेट्स थैंक गॉड एंड देन यू नो बस. यू नो आई नो दिस, इफ यू वांट आई विल नॉट आस्क यू दिस, बट देयर वर अ फ्यू कॉम्प्लिकेशंस बिफोर दैट राइट. कॉम्प्लिकेशंस मतलब शी इज एन आई वी एफ बेबी एंड आई डोंट हाइड इट, इट्स ओके, इट्स शी इज एन आई वी एफ बेबी. येस आई हैड प्लान्ड, मेरा फेल्ड आई वी एफ्स हुए थे, बट देन वी थो बोथ थॉट वी इन ट्रैवलिंग का एंड देन तारा वॉज जब ही शी वॉज माई मतलब एक लास्ट वो रहता है ना कि अभी इसके बाद देन आई एम गोइंग टू टेक अ प्रॉपर ब्रेक एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग, बट कहते हैं जिसने आना है उसने आना है. या एंड तारा इज पॉसिबली द क्यूटेस्ट बिकॉज आई हैव मेट हर एट अंकिता एंड विकीज वेडिंग एंड अपने मन में मस्त मलंग मतलब she's not she's yeah. a happy child happy touch wood yeah. you she goes to everybody, she will stay with you, she will dance with you, she'll sing with you, she'll yeah. do everything. She didn't even know me, she was chilling with us. she has that yeah. I messaged him one day, you know bhai, you because I've met her, she's such a sweet child, like tara and he's done and she started crying. I said you lipstick. I don't know why did you make her cry. So everybody who comes to my house now agar lipstick lagi hai to she will go get tissue paper and say yeah. papa to gussa kar तो और सबके पापा निकलती. अगर आपको पापा अगर आपको अलाउ करेगा तो मैं भी अलाउ. हाँ सो एक दिन जिद पे आ गई थी कि मम्मा को बोले लिपस्टिक निकालने के लिए, अगर मम्मा लगा रही तो मैं भी लगा रही हूँ ये करके. तो मैंने जबरदस्ती मैंने बोला कि नाउ डू वन थिंग, रिमूव इट, बाहर जाने के बाद गाड़ी में तो मेरे से लगा लेना. उसने मैंने बोला कि निकालो, तो मैंने डांटा इसे, तब जाके उसको सुकून आया कि नहीं दादा ने मम्मा को भी डांटा तो अभी मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी. नहीं तो जहाँ लिपस्टिक देखी शी इज लाइक पूरा कारीगरी करना शुरू कर देती है. बट शी डैडीज डॉटर और मामाज डॉटर. डैडी डैडीज डॉटर बट शी नीड्स मम्मा इन द लाइफ. मम्मा देखो माँ को तो कभी कोई माँ तो चाहिए ही चाहिए. दैट इज हाँ मतलब वो ऐसा है कि वो माँ को माँ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता. वो चाहे कितना भी बाप कर ले वो कभी यू नो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता. तो वो तो रहेगा ही लेकिन वो एक बाप का जो मैं बता रहा हूँ दैट हाँ मतलब शी जैसे रात को यू नो हम लोग वही बातें करते रहते हैं कि द वे शी हग्स मी एंड यू नो शी स्लीप्स विथ मी दिस इज समथिंग यू नो आई रियली मिस्ड. एंड वो एक क्या कहते हैं ना इट इज इतना एक द फीलिंग इज समथिंग एल्स यू नो व्हेन योर डॉटर इज यू नो हगिंग यू एंड स्लीपिंग यू एंड शी इज सो कंफर्टेबल इन दैट मोस्ट अनकंफर्टेबल पोजीशन ऑल्सो. जहाँ पे यू नो हम ऐसे सोचते हैं कैसे सो रही है यार जब इतना ऐसा ये है लेकिन है सुकून मिल रहा है. नहीं बट शी इज अ वेरी हैप्पी चाइल्ड टचवुड एंड शी विल ओनली बी दिस वे ओनली एंड यू गाइस विल नॉट हैव प्रॉब्लम्स विद हर. आई एम प्रीटी श्योर शी इज अ स्मार्ट चाइल्ड, दिस जनरेशन इज स्मार्ट. एंड ऑन दैट नोट ऑन दैट हैप्पी नोट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज अ गेम सेगमेंट जहाँ पे अब प्यार के बाद होगा आप दोनों के बीच में टकरार. And we are back with Jay and Mahi for our second segment. India Gate Health presents Fitness 101. Chemistry 101 ke baad Fitness 101 ke baare mein baate karenge. But before that, there are five superfoods. Can you tell me which is what? Jay. Chawal, ye maine bol diye. Kya chawal? Kya? Brown rice. Okay. Yeah. What do you think is this? This is basmati rice. बासमती नहीं ब्राउन राइस है ना. दिस इज ब्राउन राइस. या हां मतलब बासमती ब्राउन हां काई लेकिन ब्राउन राइस है. ब्राउन राइस एक्चुअली दिस इज नॉट द बासमती वन बट या या दिस इज ब्राउन राइस. नॉर्मली ब्राउन राइस. यस यस दिस बोलो तू तेरे को भी नहीं पता होगा. हां रेड राइस. रेड राइस और ब्लैक राइस. ब्लैक राइस नो रेड राइस बोला ब्लैक इट्स इट्स ऑलमोस्ट द सेम. ये बता क्या है. एक सेकंड ना ये क्या कुछ खाया है कभी गाइस. नहीं यार नहीं पता ये क्या है. ये क्या है तू पहले ये तो बता. कुछ या कुछ है. दिस इज किनोआ. ये किनोआ है. यस दिस इज किनोआ. मैं तो बनाती हूँ रोज किनोआ. तो तू क्या क्या सोच के तू क्या खिला रही है मेरे को इतने दिनों. यू आर हैविंग किनोआ एवरी डे. या नॉट एवरी डे बट या आई मेक किनोआ. दिस इज किनोआ. दिस इज वाइट किनोआ इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दिस ओके व्हाट इज दिस. मुझे पता है. अच्छा ऑप्शन तो दे जैसे केबीसी नहीं चार चार ऑप्शन दे दे. आई एम नॉट अमिताभ बच्चन. आई नो क्या ही है इसे बोल रहा हूं. बता बता रुक जा. खा के नहीं पता चलता इसको. हां खा इसमें डजंट मैटर. क्या बता. वो इसके लड्डू भी बनते हैं. हां बट क्या बोलते हैं. राई. नहीं फ्लैक्सीड. फ्लैक्सीड हां इट इज फ्लैक्सीड. वाह आई थिंक माय इज गोइंग टू विन. व्हाट इज दिस. सो
बताइए ये क्या है? बता क्या है, क्या है बता, फिर मैं बताती हूँ। ये सुशी के ऊपर ऐसे वो स्प्रिंकल करते हैं चिया सीड्स। अरे वाह, मैं यहाँ थोड़ा तुक गई। माही तो मतलब माही, यू मेक ऑल ऑफ दिस एट होम? या आई मेक एवरीथिंग। आई वाज इसमें थोड़ा हो गई ब्राउन राइस और बासमती में, बट बाकी आई नो और किनोवा में। बट यू नो एज अ पेरेंट आल्सो टुडे, डू यू आल्सो गिव हेल्दी फूड टू योर चाइल्ड? या या टोटली। लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट शी हैज यूजुअली? आई गिव हर दलिया, आई गिव हर, सो इफ आई हैव टू गिव हर पास्ता, आई हैव टू गिव हर नूडल्स और एनीथिंग वीट या फिर सूजी के नूडल्स या सूजी का पास्ता। सो राइट नाउ ऑल्सो मेड इन द मॉर्निंग आई मेड पास्ता फॉर हर, शी लाइक्स पास्ता, तो अभी पास्ता अभी कैसे दूं मैं, तो आई गिव हर सूजी पास्ता। एंड यू हैव किनोआ? नो नो नो, वो फिर मैं जो बचा हुआ सूजी का जो पास्ता रहता है वो मेरे लिए रहता है। ये बच्चा होने के बाद यही होता है कि ले तेरी बेटी ने यू नो खाया नहीं, खा भी। बट किनोआ यू मेक इट ऑफन यू सेड? So I'm pretty sure that Jay, this was not the game, so you still have chance. है ना? हाँ। हाँ। अभी I will give you, वो बचपन में हम लोगों ने एक game खेलते थे ना, match the following. तो उसपे I will give you statements which will correspond to one of the superfoods. For every statement you have to pick कि कौन सा superfood आपको लगता है कि उस statement के साथ match करता है। ये flex seed है और ये क्या है? Chia seeds. Chia. Chia seeds. Chia seeds. हाँ। Chia चाहिए। अच्छा chia. Okay. अभी यू कैन बी डिफरेंट ऑल्सो आइडियली बिकॉज यू डोंट नो वॉट द आंसर इज गोइंग टू बी। मैं लास्ट में जाके बोलूंगा कि किसने क्या आंसर दिया है, कौन सा करेक्ट है। ओके, फर्स्ट वन, दिस सुपर फूड हैज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स दैट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल्स, रिड्यूसेस डायबिटीज बाय 32%, ऑल्सो कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ मैग्नीशियम, हेल्प्स टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज। अच्छा, यू हैव टेकन फ्लैक्स सीड, वॉट आर यू सेइंग? किनोआ। ओके, you have said quinoa, you have said flaxseed. Second one, dash is a good source of dietary fiber and omega 3 fatty acids. The fiber is primarily found in its coat. It makes people less hungry and also helps in making platelets. Chia seeds. And what will you select? Kya ma mai phir ye le leta hu quinoa. He is to like akkar bakkar ban gaya. Right. Yeah. So first you selected quinoa, then you selected chia seeds, right? You selected flax seed and then you selected quinoa. Dash is a source often used as substitute for rice. It is referred as a grain, but it is actually a seed. It is gluten-free and packed with protein, vitamins and other nutrients. हाथ छोड़ मेरा। दोनों ने ही quinoa choose किया है। Dash is a source of different antioxidants such as chlorogenic acid, caffeic acid, etc. and aids the digestive system. Aids the digestive system. Okay, flax seed and liya hai chia seeds. Okay. Last one, dash has always seemed exotic, contains high amounts of antioxidants, dietary fiber, minerals, is known to be cancer fighting. Cancer fighting. Okay. So you have not selected black rice even once. So now the first one, which is low glycemic index, you had selected. No, ये थोड़ी क्या था? No, you had selected. You इसने. You had selected. This. Quinoa. And मैंने ये. Flax seed. दोनों ही गलत है. The answer is brown rice. 0-0. Second, dash is a good source of dietary fiber and omega 3 fatty acids. You had selected chia seeds and you had selected flax seed. Flax seed, yeah. You have selected flax seed, na? It is right, it is flax seed. Ah! 1-0. Third one. Kya khana banati hai ghar pe? Often used as a substitute for rice, both of you selected quinoa, so 1-2. Ha, this is true. Right. Yeah. Dash is a source of different antioxidants such as chlorogenic acid, caffeic acid, and aids the digestive system. You said flax seed, you said chia seed. Chia seed is the right answer. क्लोरोजेनिक एसिड, कैफीक एसिड। नहीं नहीं, आगे क्या था? एड्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या 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 फायदा हुआ ये घर में इतना खाना बनाने के बाद ये नहीं पता कि वो खाना क्या बना रही है? तो सॉफ्ट में ये डालते हैं भून के, तो उनको तो ये लगा डाइजेस्टिव। देखो जिसको, जिसने आज तक किचन में पैर नहीं रखा वो उसने तुक्के पे जल रहा है। लेकिन बराबर जा रहा है भाई। हाँ बराबर। फाइनल वन, ऑलवेज सीम्ड एक्सोटिक, कंटेन्स हाई अमाउंट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, डाइटरी फाइबर, मिनरल्स, नोन टू बी कैंसर फाइटिंग। दोनों ने ब्लैक, यू हैड सिलेक्टेड आई थिंक ये ना आंसर इज ब्लैक राइस।
एग्जॉटिक बोलने के बाद यही तो आएंगे काले चावल वो सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलते हम लोग बोलते हैं वाओ कब से किचन में खाना तू नहीं, बनाएगी नहीं 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 मैं तेरे को बताऊंगा कि ये ना तू बनाएगी जया बट इट इज अ शॉकर दैट ही हैज स्कोर्ड 4 एंड यू स्कोर्ड ओनली 1 शिट मैन मैं क्या फायदा हुआ इतना काम करके किचन में तेरे मतलब माँ ने कुछ सिखाया नहीं कि क्या खाने में क्या न्यूट्रिशंस होते क्या नहीं होते जिसको नहीं सिखाया उसने देख कितना सही आंसर दे दिया बट ये हैम्पर तो जय को ही जाएगा हैम्पर भी है ओह माय गॉड यू नो व्हाट माही आई रियली लव यू सो आई हैव गॉट अ हैम्पर फॉर बोथ ऑफ यू द इंडिया गेट हेल्थ हैम्पर इज फॉर बोथ ऑफ यू एक सेकंड तो फिर मैं मतलब क्या हुआ मेरे आंसर्स ये तो कंपटीशन कराने के लिए हां लेकिन क्या कंपटीशन में एक ही विनर होता है ना तो यू विल गेट अनदर एक्स्ट्रा किनोवा दे देना इसको एक कटोरी ले जाओ बट लाइक आई सेड दैट जय यू हैव माय हार्ट बिकॉज़ यू वन Fair and square, मतलब ऐसे तो मतलब, and you will get an extra gift also, which will be couriered to you, delivered to you very, very soon. But because I love both of you, so I've got India Gate health hampers so for both of you. पहले पहले विनर को हाँ जी thank you so much और फिर हमारी प्यारी माही को thank you क्या बात है lovely so now as all can see आज ही बनेगा black rice होगा हाँ बिल्कुल बना लो एंड शादी भी चल रही है तो थोड़ा हेल्दी भी खा लो जी लॉट ऑफ पीपल से दैट यू नो फिटनेस इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर फूड सो हाउ ऑफन डू मतलब हाउ मच डू यू बिलीव इन इट डू यू चेंज योर फूड बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू स्टे फिट लुक्स अ सर्टेन वे तो करते हो घर पे कुछ ऐसा व्हाट डू यू डू लाइक यू सेड यू डू किनोआ एट होम नॉट किनोआ किनोआ बट या तारा वी डू आई मेक ओट्स की रोटी आई मेक अपना दाल की रोटी सो आई ट्राई टू मेक आजकल सब मिलता है ऑर्गेनिक सो या वी गिव ये नहीं खाता है कुछ भी हेल्दी क्यों ही लाइक्स टू हैव परांठा ही लाइक्स टू हैव प्रॉपर मील कुछ भी नहीं ऐसा अच्छा नहीं नहीं मैं इसके मूड के हिसाब से खाता हूँ जब उसका मूड अच्छा रहता है तो अच्छा अच्छा खाना ये सब बन के आता है नहीं तो दाल खिचड़ी सीधा थाली ऐसे रखती है लेकिन खा ले दाल खिचड़ी बनाती हूँ मैं But thank you for doing thank this. You, thank you. Thank and it was lovely. And I'm happy that finally we did it. And this is the finale episode, so which makes it even more special. Nice. Thank you. You will always have me. Thank you so much, Nandeep. And you. Oh, thank you for having us. We really enjoyed it. And yeah, that's it.